लास्ट पैकेट था। 2000 मिले? कब आएगा भूकंप यार? अरे अब क्या आएगा, मौसम विभाग वाले गलत थे। मैं तो कहता हूँ बंद करो ये रिलीफ सेंटर। अरे ये क्या है? भूकंप! अरे भूकंप आ गया, जमीन पे लग गया, जमीन पे। अरे नहीं नहीं, बाहर चलो मैदान से, जल्दी 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 आओ। बताइए भूकंप आके चला गया तब मैडम चली मैदान, क्यों भाटिया साहब? उसको छोड़, ये सोच कि खाद समुद्री सारी हम खा गए, उसको पब्लिक को क्या देंगे? भैया हमें तो क्लीन चिट मिलेगी, हम तो चले फोटो खींचने। लोग कपड़े मांगने आएंगे तो मैं क्या दूंगी भाटिया जी? अरे क्या देंगे, ये दे दिए, कौन सा पब्लिक देखने आ रही है, आने दो। यही तो, आने दो पब्लिक को। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। देखिए इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। यही तो, राहत सामग्री आती होगी, आपके खोए हुए भाई बहन मिल जाएंगे और सामान कहीं नहीं जाएगा। यार पान सूखे बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके आप देख रहे हैं भूकंप राहत केंद्र का नजारा, चाही चाही मचा हुआ है, लोग बिल्कुल जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूकंप पर लेटेस्ट रिपोर्ट के लिए देखते रहिए कुत्ता वॉशिंग पाउडर भूकंप नंबर 1। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कुत्ता वॉशिंग पाउडर। मैं शुक्ला भूकंप राहत केंद्र से परसों तक। हेलो, दिस इज भूकंप राहत केंद्र, क्या? हाँ, हम लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं अभी। शुकारी, क्या हुआ भाटिया साहब, खाने का कंसाइनमेंट मिल गया क्या? अरे नहीं भाई, एक आदमी 10 दिन बाद मलबे से जिंदा मिला है। क्या? हाँ। चलो भाई चलो चलो, कैमरा मैन। अरे मुझे निकालो, पिछले 10 दिन से फंसा हुआ हूँ, निकालो मुझे। कैमरा मैन नीरा लगा। तो भाइयों भूकंप में अभी अभी पता चला है कि एक बंदा 10 दिनों से मलबे के अंदर फंसा हुआ है। भूकंप रिकॉर्ड बनाने वालों में से सिर्फ आधा दिन ये पीछे है, सिर्फ आधा दिन। पिछली बार जो बंदा फंसा था वो 10.5 दिन तक अंदर दबा हुआ था। आइए इन बातों में वक्त ना जायज करते हुए इनसे बात करते। हेलो भाई साहब, गुड मॉर्निंग। मुझे बाहर निकालो। बाहर निकाल लेंगे, आपका नाम क्या है? मुसद्दीलाल कच्छावा। क्या कह रहे हैं? कब से फंसे हैं आप? 10 दिनों से फंसा हो, अब तो पत्थर वत्थर कुछ हटा दिए लोगों ने। गुड गुड गुड, आप कंफर्टेबल हैं? ठीक है आप? थोड़ा ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर कैसा लग रहा है? अंदर आके देखिए पता चलेगा। अरे मेरे दोनों हाथ पांव फंसे हुए हैं, मुझे बाहर निकालो। आ रहे हैं, निकालने वाले आ रहे हैं, 10 दिन के अंदर है। खाना पीना मिला कि नहीं? खाना वाला तो लोग दे देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस थोड़े दिन और सब्र कर लीजिए, 1 दिन की बात है, सब्र कर लीजिए आप। क्यों? हाँ, आपको पता नहीं है भूकंप में फंसे रहने वालों का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है? किसका? अरे हितेश भाई साहब, आपके यहाँ के तो है, बस 1 दिन आप रह जाइए, आप उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अरे मुझे किसी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है भाई, बाहर निकालो। अरे क्या बाहर निकालो, अरे इतनी मुश्किल से तो भूकंप आया, दबने का मौका मिला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लो ना दबे दबे। अरे नहीं बना रहा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बाहर निकालो रे। अरे अच्छा भाई, अब इनको निकाल दो बाहर। अरे रुक जाओ, इसे मत निकालो। क्यों? अरे भूकंप मंत्री का फोन आया था, उन्हें इस आदमी के बारे में पता चल गया है, वो कह रहे हैं कि वो खुद आगे इन्हें निकालेंगे। चलिए चलिए चलिए, साइड। देखिए सर, ये है वो व्यक्ति। ओहो, ये कैसे दबे भाई? भूकंप से। भूकंप आया तो क्या कर रहे थे तुम? जी टीवी देख रहा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा था। ये क्रिकेट ना देश को डुबा देगा एक दिन। वैसे जीता कौन था? आखिरी ओवर चल रहा था तो भूकंप आ गया, तो मैं आगे देख नहीं पाया। अरे एक ओवर और रुक जाते, अगली बार रुक जाऊंगा, अभी निकालो तो। हाँ, लो हाथ दो। ये लो। सर ये वाला हाथ नहीं, फेस कवर होगा सर। फेस? हाँ, वो कैमरा में ठीक से आएगा नहीं ना। अरे तो उसकी क्या जरूरत है भाई, तुम्हें नहीं मुझे तो है। दूसरा हाथ तो निकल नहीं रहा। देखो कोशिश करो, वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो तुम्हारा फेस दिखेगा या तो नहीं दिखेगा। दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो 2 बातें होगी, या तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ये टीवी में आएगा, या तो नहीं आएगा। आया तो ठीक, नहीं आया तो 2 बातें होंगी, या तो हमें पब्लिसिटी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। मिली तो ठीक, नहीं मिली तो क्यों मैं तुम्हारी मदद करूं? चलो वापस। नहीं, निकल आया मेरा ये।
वेरी गुड। अब उधर देखो। अरे थोड़ा दुखी हो जा यार। मैं दुखी क्यों हूँ, मैं तो खुश होऊंगा। मुझे तो बाहर निकाल रहे हो ना। ना 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 ना, दुखी हो ताकि लोगों को पता चले कि मंत्री जी ने दुखी व्यक्ति को बाहर निकाला। यही तो, खुश दिखोगे तो लगेगा मंत्री जी ने निकाला, इसलिए दुखी हो गए हो। समझे, हो जाओ दुखी जी। ऐसे अब आओ। मिल गया कैमरे में? मिल गया सर, आ गया सर, कैमरे में आ गया सर। आप छोड़िए, बाकी लोग कर लेंगे ना, छोड़िए ना सर। अरे मुझे बाहर तो निकालो। अरे भाई आ रही है आर्मी, आ रही है, डोंट वरी। आइए सर, आप आइए, आइए चलिए। अरे सर थोड़ा मुस्कुरा के देखे ना मंत्री जी की तरफ। हेलो हेलो, थोड़ा कम, ऐसा लग रहा है जैसे मंत्री जी का मजाक उड़ा रहे हैं। सटल, इतना काफी है? कैसा लग रहा है बाहर निकलकर? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके वेरी गुड, बढ़िया, चले आगे दौरे पर चले। यस सर। ओके भाई, याद रखना है इलेक्शन के टाइम पर। थैंक यू, बोलो थैंक यू। थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू। मुसदी लाल जी, आपके कोई रिश्तेदार है यहाँ? हाँ है, बीवी है पर पता नहीं कहाँ है। भारत में है कि नहीं है? हाँ है। तो उनको कोई संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ हाँ जरूर देना चाहूंगा। कैमरा मैन जरा क्लोज काटना, और एक मिनट जी, ये जरा पढ़ दीजिएगा। ये क्या है? ये हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। अच्छा, गुड्डू, पिंकी, मौसी, मैं ठीक हूँ। ये देखो सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ, चिंता मत करना। ये लास्ट वाली लाइन बढ़िया ना। हाँ हाँ, इस संदेश के प्रायोजक थे टीटू अंडरवियर बनियान, बच्चे बूढ़े और जवान पहने टीटू अंडरवियर बनियान। गुड, अब जाओ। कहाँ जाऊँ, मुझे तो अपनी बीवी को ढूंढना है। अरे वो भी कहीं दबी होगी। वो तो नहीं दबी होगी, कोई उसके नीचे दबा होगा। क्या बात करे, कितना वजन है उनका? 200 किलो। है? बस सुनिए, कहीं उन्हीं की वजह से तो भूकंप नहीं आया? हो सकता है। हो सकता नहीं है, ऐसा ही है। मामले की पूरी जांच होगी और उसके बाद हो सकता है कि आपको भूकंप के लिए दोषी ठहराया जाए। क्या? जी हाँ। देखिए भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि मेरी बीवी की वजह से भूकंप आया है। भूकंप तो वो जो जमीन के नीचे वो होता है ना, उसकी वजह से आता है। वो तो 20 को आने वाला था, नहीं आया। भूकंप आया 26 को। उस दिन आपकी बीवी कहाँ थी? तो बड़े बाजार गई थी सब्जी खरीदने। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बड़े बाजार में। इसका मतलब ये हुआ कि भूकंप के लिए आपकी बीवी दोषी है। अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा है। पर मेरी बीवी मिल तो जाएगी ना? जी हाँ, उन्हें ढूंढना हमारा सबसे पहला काम है। अच्छा, वो कुछ सामान भी मेरा दब गया है? वो तो दब ही गया। अब तो कहाँ? मलबे में। हाँ तो मलबे के नीचे से निकलवाइए ना। अरे भाई मलबा तो हम शहर से बाहर फिंकवा रहे हैं, वहाँ जाके ढूंढ लो। क्या, अब मैं वहाँ जाके कहाँ ढूंढूंगा भाई? आपको शायद पता नहीं है कि ये जो मेरी घड़ी है ना, ये भी किसी ने उतार ली है। कब? वो जब मुझे मलबे से निकाल रहे थे। मंत्री जी ने खिसका ली होगी। हैं जी? उसमें कुछ नहीं, हम तलाश करेंगे। किसकी? आपकी घड़ी और आपकी पत्नी की। जाइए। कब आऊं? अरे कहा ना, आइए, जब मिले तो ले जाना। एक एक करके आओ, एक एक करके लाइन में चलो। सुरेश मेहता, दिनेश मेहता, पारो, किशन। क्या तेरे चार नाम है? हम चार लोग हैं। एक आदमी को एक ही कूपन मिलता है? मेरे बीबी बच्चे भी। अरे उनको लाना पड़ेगा, ये लो चलो। जी अच्छा। गोवर्धन प्रसाद। गोवा, तू तो ले जा चुका है ना? साहब नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। अबे तू ले जा चुका है, मुझे पता है। चल चल ऐसे। हाँ जी, मुसद्दीलाल कच्छावा, पहचाना? आप चोर बाजार वाले? 11 दिन मलबे के नीचे दबा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बोलिए। भाई साहब 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। व्रत था आपका? नहीं, वो खाना देते नहीं, वो कहते हैं आपसे आके लूं। आप कहते हो तुम्हारे नाम का टोकन जा चुका है। अरे टोकन ना हो गया, वोट हो गया जो किसी और ने आपके नाम का डाल दिया। इससे अच्छा तो मैं वहां मलबे के नीचे दबा हुआ था, कम से कम लोग खाना तो पूछ लेते थे। तो क्या करें, वापस मलबे में दबा दें? आप चाहो तो है जी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आ रहा है भाई, राहत सामग्री चल पड़ी है। अरे कब आएगी, कितने दिनों से यही कपड़े पहन के घूम रहा हूँ मैं, ना खाना ना कपड़ा। भैया मैं कपड़े नहीं देता, वो उषा जी देती है, वहां जाओ। वो कहाँ मिलेंगी? अरे वो वहां एक ले। नेक्स्ट। यही तो लीता, मैं इतनी खुश हूँ क्या बताऊं। अरे मेरी सास पास वाले गांव में गई थी, वहां भूकंप आया और मेरी सास वापस आई नहीं। तो सोच अभी मैं कितनी खुश हूँ क्या बताऊं। मैडम। हाँ यही तो। मैडम मैं पिछले 20 दिन से यही कपड़े पहने हुए हूँ। एक मिनट, क्या हुआ भाई साहब? मैडम मुझे कपड़े चाहिए,
तुम्हारी साइज के तो होंगे नहीं, पर गठरी में ढूंढो। ये सारे कपड़े तो लेडीज हैं। लेडीज जेंट्स के पहन सकते, तो जेंट्स लेडीज के नहीं पहन सकते क्या? ये बात तो ठीक है। सब तो मैं ये सलवार ले लूं मैडम। ये तुम पहनोगे? हाँ, मैं पहन लूंगा। ले जो अच्छी है जी। और ये एक साड़ी भी ले जाते। नहीं, नहीं, एक आदमी को एक कपड़ा। नहीं नहीं, वो मेरी बीवी के लिए अगर मिल गई तो। अब तक नहीं मिली क्या? पांडे जी ढूंढ रहे हैं, उन्होंने कहा कल आना। तो आज गए थे क्या? मैं गया था, उन्होंने कहा कल आना। कल आना, कल कल आना, कल आना। कितने दिनों से आप कल आना कह रहे हो। मेरी बीवी तो मिली नहीं आज तक। चलो कोई बात नहीं, घर का सामान तो दिलवा दो। अरे भाई कहा ना, हम ढूंढ रहे हैं, हमारे पास तुम्हारी बीवी का रिपोर्ट तो है नहीं। अब यहाँ तो सामान और लोग रहते हैं, लोग आते हैं, पहचानते हैं, ले जाते हैं। अरे कहीं आपने मेरी बीवी तो नहीं दे दी किसी को? पता नहीं, ये देखो कुछ घड़ियाँ हैं। अरे भाई यहाँ घर का सारा सामान गायब हो गया और आप घड़ियों की शिनाख्त करने की बात कर रहे हैं। अरे भागते भूत की लंगोटी हाथ। ये पर ये लंगोटी तो नहीं है, ये तो घड़ियाँ हैं। हाँ हाँ घड़ी हैं। ये है तुम्हारी घड़ी? नहीं ये मेरी नहीं है। ये है? नहीं ये भी मेरी नहीं है। ये है? नहीं नहीं ये तो बहुत महंगी वाली है, मेरी तो सस्ती सी है। ये है? हाँ ये वाली मेरी घड़ी है। गॉड, महंगी से महंगी घड़ी नहीं ली तुमने? कैसे लेता, घड़ी तो मेरी यही है ना। तुम्हारी ईमानदारी पे ये पांडे खुश हुआ। ये लो सारी घड़ी रख लो। क्या रख लो? थैंक यू भाई साहब। लेकिन मेरी बीवी? देखो भाई कुछ बीवियों के फोटोग्राफ हैं मेरे पास। क्या ये तुम्हारी बीवी है? हाँ हाँ यही मेरी बीवी है। क्या? हाँ यही मेरी बीवी है। चल, हट। अरे क्या हुआ, नाराज क्यों हो गए भाई साहब? साले खूबसूरत लड़की देखी और फिसल गए? ये मेरी बीवी का फोटो है, तेरा टेस्ट ले रहा था मैं, कह रहा मेरी बीवी है। हट, तेरी ईमानदारी पे मैंने यकीन किया। ला घड़ी ला। नहीं भाई साहब मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। देखिए आपने मुझे ये पहला फोटो दिखाया, अगर मैं ये कहता कि ये मेरी बीवी नहीं है तो आप मुझे दूसरी सुंदरी का फोटो दिखाते। मैं कहता ये भी मेरी बीवी नहीं है, आप मुझे तीसरी सुंदरी का फोटो दिखाते। मैं कहता ये भी मेरी बीवी नहीं है, फिर चौथा आप एक फोटो दिखाते जो मेरी बीवी का होता। मैं कहता ये मेरी बीवी है, तो आप मेरी ईमानदारी पे खुश होकर कहते चारों की चारों को ले जाओ। अरे भैया यहाँ भूकंप के जमाने में एक को नहीं झेल पा रहे हैं, चार को कहां से रखूंगा? सुनो भूकंप पीड़ितों, सुनो, आपके दुख दर्द के दिन जब दूर होने वाले हैं, क्योंकि भूकंप मंत्री पटेल कल यहाँ पर राहत केंद्र में आकर एक घोषणा करने वाले हैं, एक ऐसी घोषणा जो आपके दिन बदल देगी। अरे क्या हमें घर देंगे? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप सबको घर देंगे। तालियां। दोस्तों हमारे देश में भूकंप बार बार आता है, मगर हमें भूकंप से निपटना है, और इसीलिए हम विदेश से ऐसे यंत्र मंगवाने जा रहे हैं जो हमें पहले से बता दे कि भूकंप कहां आने वाला है और कब आने वाला है। और अगर आ गया, इनकेस आ गया, तो हम ऐसे भी यंत्र मंगवा रहे हैं जो लोगों को बाहर निकाल सके। हम विदेश से ऐसे कुत्ते मंगवा रहे हैं जो सूंघ के बता दे कि कौन कहां पर छुपा हुआ है, कहां पर दबा हुआ है। और ऊपर से हम विदेश से ऐसे लोग मंगवा रहे हैं जो लोगों को बाहर निकाल सके। अरे घर कब दोगे, यहाँ लोग सड़कों पर सो रहे हैं। टेंट में सो जाइए, फर्स्ट क्लास। नहीं कैसे सो जाएं टेंट में, ये कहते हैं टेंट सारे खत्म हो गए हैं। क्या भाटिया सारे बेच दिए क्या? सर वो तो भूकंप आने से पहले ही। डोंट वरी, हम आपको ऐसे घर देंगे जो भूकंप के झटके सह सके और भूकंप से गिरे नहीं। कब देंगे भाई? वर्ल्ड बैंक का लोन अप्रूव होते ही दे देंगे। वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है? वो ये कि मंत्री जी हर भूकंप पीड़ित को 2-2 लाख रुपए देंगे। तालियां। ये तो अच्छी बात है, गुड। अब मंत्री जी आपको वो देंगे जिसके लिए आप तरस रहे हैं। लीजिए पटेल जी, लाइन में आइए, लाइन में चलिए। लीजिए ये क्या है? कंबल है। कंबल? हाँ ठंड से बचने के लिए कंबल। अरे गर्मी के मौसम में कंबल दे रहे हो? चादर देंगे तो बहुत पतली दिखेगी। 2 लाख रुपए कब देंगे? राहत कोष में पैसे आते ही दे देंगे। उधर देखो, उधर खींचो, फोटो खींचो। अरे तो हंसता ही नहीं है मंत्री जी। अरे भाई हंसो, ऐसे लग रहा है जैसे मंत्री जी जबरदस्ती दे रहे हो। हंस लो हंस के। ओके नेक्स्ट लीजिए। हाँ जी पहले हंसो। भाई साहब मेरी पत्नी कल आना। पिछले 3 महीने से आ रहा हूँ, रोज कह देते हो कल आना, 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, मेरी पत्नी नहीं मिली आज तक।
अरे अभी तक पिछली बार के भूकंप के लोगों को उनकी बीवियां नहीं मिल पाई हैं, आप अगले भूकंप में आइए। आप क्यों बीवी को लेके इतना इमोशनल हो रहे हैं? देखिए हमने आपके लिए एक स्कीम निकाली है। कैसी स्कीम? आफ्टर भूकंप स्कीम। उसमें क्या होता है? उसमें हम लोगों को बसाते हैं भाई। कैसे? अब देखिए कुछ गांव हैं जो बिल्कुल उजड़ गए हैं, जहां पे लोग है ही नहीं, सिर्फ सामान ही सामान पड़ा हुआ है, और कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोग ही लोग हैं, सामान नहीं है, तो हम एक्सचेंज कर देते हैं। ऐसे कुछ पति हैं जिनकी पत्नियां नहीं मिल रही हैं, ऐसे कुछ पत्नियां हैं जिनके पति नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पे भी हम एक्सचेंज कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उजड़े हुए घर फिर बच जाते हैं। लेकिन बचेगा कैसे, घर तो दिया ही नहीं। अरे कंबल दिया ना। लेकिन पर घर, मंत्री जी ने मकान का वादा तो किया है ना। अरे वादा तो किया था 2 लाख रुपए का भी, पर दिए नहीं। यही तो, कंबल तो दिए ना। अरे भर में गया कंबल, 2 लाख रुपए नहीं दिए। वहां फोटो खिंचवा लिया टीवी के ऊपर, भूकंप पीड़ितों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमसे पूछो, आज तक नहीं दिए 2 लाख रुपए। ये शिकायत आप भूकंप मंत्री के पास कीजिएगा। अरे तुम मिले तो करूं। अरे परसों आ रहे हैं भूकंप मंत्री, भूकंप राहत केंद्र की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए। हम सब जा रहे हैं। कहाँ? वहाँ जहाँ भूकंप आने वाला है। हाँ। लेकिन वो परसों मंत्री जी तो आएंगे ना। हाँ। It's okay. भूकंप राहत केंद्र के सभी मेहनती वर्कर्स, जिस बहादुरी और जिस साहस से, वीरता से आपने इस भूकंप का सामना किया है, हमें आप पर गर्व है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भूकंपों का सामना भी आप इसी बहादुरी से करेंगे। भाटिया जी जिन्होंने खाने के पैकेट्स और इंपोर्टेड टेंट्स बेच के जो राहत कोष जमा किया है, मैं आपका आभारी हूँ। भाटिया जी, पांडे जी जिन्होंने मलबे के नीचे दबे सामान चुरा कर जो राहत कोष में बढ़ोतरी की है, उषा जी ने ढेर सारे कपड़े बेच कर जो पैसे इकट्ठा किए हैं, मेरा वादा है कि मैं भूकंप पीड़ितों में बांट दूंगा, ये मेरा वादा है। सर हमें भूल गए क्या? नहीं भूले। आपने जो टीवी कवरेज किया है शुक्ला जी ने, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं आप सबका एहसान मंद हूँ। और हमारा जिन पे दरअसल भूकंप की मार पड़ी, हमारे बारे में क्या ख्याल है? उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो लोग घर से निकले और कभी लौट कर नहीं आ सके, और वो लोग जिनकी चीखें अभी भी शहर में सुनाई देती हैं? उन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है जो जनगणमन गा रहे थे और गाते गाते शहीद हो गए? आपके लिए तो वो भी गिनती भर थी वोटों की तरह, इतने मरे इतने जिंदा रहे। अब गणना समाप्त हुई, आप चुनाव जीत गए, जनता हार गई, आपको मिली पार्लियामेंट और हमें क्या मिला? हक। हम बसा रहे हैं ना लोगों को। क्या खाक बसा रहे हैं? ना इलाज है ना घर है, और वो 2 लाख रुपए कहाँ है जो आपने कहा था देंगे? वो केंद्र से आते ही दे देंगे, और घर भी देंगे। कब? भैया क्या है, वर्ल्ड बैंक में अप्लाई किया है लोन के लिए, काम चालू है प्रोमिस। पर मिलेंगे कब? क्या है ना, हमने अप्लाई किया है, वहां से पास होगा तो सेंटर में आएगा, सेंटर से स्टेट में आएगा, स्टेट से हमारे ऑफिस में आएगा, फिर टेंडर्स निकलेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट देंगे हम, और फिर काम शुरू। इसमें तो 4-5 साल लग जाएंगे। हाँ भाई थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तब तक तो इनकी सरकार गिर जाएगी। हाँ तो उसे ही हम अगले चुनाव का मुद्दा बनाएंगे और फिर लोगों की सिंपति लेंगे। क्या है, ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है ना, तो आई एम श्योर कि लोग हमें ही वोट देंगे, और बस फिर चुनाव जीतते ही हम आपके घर बनवा देंगे। वो घर बनेंगे कब? अगला भूकंप आने से पहले। ये क्या था? भूकंप। देखा, अच्छा हुआ ना घर नहीं बनाए, फिर गिरते वापस नुकसान होता। जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।